This is NDTV. And you're watching Classics. नमस्कार, हाजिर अपने खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री चले गांव में। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश ये रहती है कि गांव वाले सीधे अपने मन की बात अपने मुख्यमंत्री से कहें, और आज की इस कड़ी में हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। यहां के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने चुना है अपना गांव सैफई। सैफई में उनकी पैदाइश हुई है, और जो आप ये भव्य इमारत हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अस्पताल है, 500 बेड का अस्पताल है, और यहाँ पे बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीन्स भी लगी हुई हैं। यहाँ पर आप इस तरफ देख सकते हैं, जो बड़े बड़े VIP स्वीट्स यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों के रहने के लिए स्थान बने हुए हैं। तो सैफई किसी भी नज़र से गाँव नहीं लगता है, बिल्कुल शहर लगता है, और यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और सैफई के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है अपने गाँव के बारे में, अपने मुख्यमंत्री से वो क्या कहना चाहें। बच्चों के लिए पहली बात तो पर्याप्त टीचर होने चाहिए हर एक क्लास में, अगर सब्जेक्ट वाले हों तो और ही अच्छा है। हमारे स्कूल में कोई खेलने का मैदान नहीं है, और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है, स्कूल की पढ़ाई ठीक नहीं चलती है। जैसे घंटा खाली हो तो किसी से बात करने जाओ कि हमारा घंटा ये लो, तो नहीं लेते घंटा, बोलते हैं वही लेंगे आगे, वो चले गए यहाँ से। घंटा बहुत कम लगते हैं हमारा, अभी यहाँ अंग्रेजी घंटा मात्र पेपर स्कूल बंद होने को आया, मात्र एक महीने घंटे लगा अंग्रेजी का। जो गरीब लोग हैं वो भी कुछ मतलब यहाँ ऐसा कुछ हो कमाने खाने के लिए, दो चार पैसा वो भी उनका भी रोजगार बढ़े। खेती धाती सब लही लही, अब उन्हें में जो दिया पैसा सो मैं सबको कर्ज ही दे दिया, अब का रहेगा घर बच्चन को, अब तो मजूरी कर रहे खवा रहे, क्यों काम नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है, नहीं है। खेती चली गई, क्यों चली गई जी, बन गए स्कूल बन गए, ता में चले गए होंगे। यहाँ पर ऐसे स्टाफ की बहुत कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पर 10 डॉक्टर होने चाहिए, उसके जगह सिर्फ 3 डॉक्टर हैं। लेटर वगैरह नहीं है यहाँ पर, सो आना चाहिए, खुला मैदान में जाना पड़ता है। क्या ये नालियाँ नहीं ठीक करवाइए, सड़क वगैरह और क्या, और कोई समस्या नहीं है, ये नाली से असुविधा होती है, अच्छा नहीं, मच्छर आते हैं, आगे सड़क में पानी भर जाता है, बरसात होती है तब। मैदान पर पानी भरा है, सड़क पर, सड़क पर अभी भरा है, वो मुलायम सिंह आते हैं तब उधर से जाते करके। फिलहाल हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मुलायम जी ने कहा है मुलायम चले गांव की ओर, ये खास कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं सैफई में मुलायम जी आए हुए हैं, उनका अपना गांव है, हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहां पे स्टेडियम बना हुआ है, अपने गांव के लिए उन्होंने बहुत विकास करा है, लेकिन फिलहाल गाँव वाले उनसे कुछ और भी कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं गाँव वाले। बच्चों से शुरुआत करते हैं, हाँ बेटा बताइए। हमारे कॉलेज में समय से घंटे नहीं लिए जाते हैं। कॉलेज का नाम बताओ। श्री अफ्ताबच्चे राजकीय इंटर कॉलेज सफी टावा। जो लोग आते भी हैं वो एक घंटा पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, सारे दिन स्टाफ रूम में बैठे बातें करते हैं। ये गंभीर बात है, और जांच करा के दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में खाना बनता नहीं ढंग का, और कहीं दलिया बनाएंगे, कहीं कूड़ा बनाएंगे, कहीं कुछ बना दे। कह रहे मिड डे मील मिलता है, लेकिन सिर्फ दलिया और खिचड़ी और कभी कभी ठीक नहीं मिलता है, कुछ सब्जी भी अगर हो जाए तो, ये छोटे से बच्चे की कहना था। कौन से स्कूल के है ये? प्राथमिक विद्यालय सफाई। अच्छा, हम इसकी भी जांच कराएंगे।
और सर एक बात और, टीचर्स जो तो तुम यहीं से देखने आई, क्या क्या कमियाँ हैं? अच्छाई या कोई नहीं मिली आपको? अच्छाई बहुत है, बहुत अच्छी ये। अच्छा आप पहले बताइए, जो आप सफाई की बात कर रहे थे, यहाँ पे बाबा ने सभी जानते हैं कि अच्छी अच्छी कॉलेज बनवाए, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनवाई है, और सारी दुनिया कहती है कि पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सभी कहेंगे कि यूपी का स्वर्ग सैफई है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं जिनका धीमे धीमे सुधार हो रहा है, और हम सभी बाबा को धन्यवाद देना चाहेंगे कि सैफई बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन इसमें बस आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर इन माई लाइफ, और अपने माँ का नाम दुनिया में रोशन करना चाहती हूँ, इसके लिए थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है बाबा की भी, जो मैं बाबा से अनुरोध करूँगी, वो शायद समझ रहे होंगे मेरी बात। आपको बहुत प्यार से यहाँ के लोग बाबा कहते हैं। नाम तेरा क्या है? श्री ताले सिंह यादव, मेरे बाबा हैं। उनके हो? ओहो, आपसे मिलना था बस। आई बैठ। हमारे गांव में शौचालय की सुविधा करवाएं। इन्होंने शौचालय की बात करी है, ज़्यादातर यहाँ पर विकास बहुत हुआ है, बट हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी हम राज्यों में जा रहे हैं, सैनिटेशन और जो शौचालय की समस्या है वो बनी रहती है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? पहले वर्ष में ही हमने लगभग 7 लाख शौचालय बनाए थे, और दूसरे मुख्यमंत्री काल में भी लगभग इतने ही बने, और इस शासन में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और सरकार तेज़ी से काम कर रहे हैं। इस ये गंभीर समस्या इसलिए है कि इसका प्रदूषण से भी संबंध है, और इसको हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है और शौचालयों की इंतजाम किए जाएंगे। हाँ आप बताइए। हाँ यहाँ पर स्कूल बढ़िया है। गाँव पर्दा करने उसका जवाब नहीं देंगे। अरे बताइए, स्कूल बढ़िया है, रोजगारी है नहीं, बच्चे कैसे पढ़ाएं? हम जैसे रहे, मतलब कि अब छोटे छोटे बच्चा पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को रोजगार मिल जाए तो। महिलाएं कह रही हैं कि वो भी अब रोजगार चाहती हैं यहाँ पर। वैसे तो बहुत, आप किस तरह से इसे देखते हैं, क्या कुछ हो सकता है? हमारी सरकार की नीति है कि जल्दी से जल्दी बिजली का उत्पादन हो, तो कुटीर उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे, मध्यम उद्योग धंधे और बड़े कारखाने लगा करके ही बेरोजगारी का मुकाबला किया जा सकता और बेरोजगारी समाप्त की जा सकती। इस ओर प्राथमिकता के आधार पर सरकार काम कर रही है, निर्णय भी लिए हैं। अम्मा आप भी कुछ कहना चाहती हैं, बताइए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मतलब हमारे कार्ड बन जाए दिल्ली से दवाई को, हमारी जो है दवाई आराम नहीं करती है, इसलिए। मुलायम जी काफ़ी आश्चर्यजनक इनका सवाल है, इतने बड़े बड़े अस्पताल यहाँ पे बने हैं, प्राथमिक अस्पताल भी यहाँ पे बहुत अच्छा बना है, बहुत बड़ा अस्पताल, ये कह रही है कि हमें दिल्ली में इलाज कराना जाना चाहती हैं। नहीं, बीमारी क्या है? चलने में बहुत परेशानी होती है, मैं बहुत मोटरसाइकिल से आई, अभी यहाँ आए थे तब ये बताया कि जो है कि आप इटावा चेक करा के ले आओ, तब आपको दवा देंगे, ना ऐसा दवा देंगे नहीं। कह रहे हैं कि कहा कि इटावा चेक करा के ले आइए, नहीं तो आपको ऐसे दवा कैसे दे दें? अभी दवा तुरंत मिलेगी, और ऐसी कोई बीमारी हमें लगती भी नहीं कि जो दिल्ली जाने लायक हो, और 6 महीना बाद दिल्ली दूत यहाँ नहीं पड़ेगी, यहीं इलाज, दिल्ली का इलाज यहीं हो जाएगा। उच्च स्तरीय सुविधा प्राप्त अस्पताल का निर्माण हो रहा है, और अभी यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, अभी मैं बुलाता हूँ कि पर्चा यहाँ का बनवा लेना, यहाँ से दवा मिल जाएगी। ये सही है कि पर्चा वहाँ का है, दवा यहाँ से ले, ये कैसे हो सकता है? पर्चा फिलहाल 1 मिनट के अंदर बन जाएगा और दवा मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ खेल से जुड़े हुए लोग हैं, सब में से सिर्फ एक बच्चा बोलेगा, क्या कहना चाहता है बोलिए। सर हम हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं, यहीं सैफई स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे हैं हॉस्टल में, और हर गेम का जियो वैकेंसी ली जाती है यू पुलिस में, लेकिन हमारे गेम की नहीं ली जाती है। आपका आइटम कौन है? हैंडबॉल। आज उनकी टीम भी है यूपी पुलिस की, और उनका ऑल इंडिया पुलिस गेम भी होता है। अभी आप मुझे लिख करके दे दीजिए जी, इतना विचार कर लें। बस ये भी स्टूडेंट थे, कह रहे हैं गोल्ड मेडल मिलता है लेकिन उनको जॉब्स की ज़रूरत। मैं भी हैंडबॉल के प्लेयर हूँ। खिलाड़ियों के लिए कुछ नंबर भी दिए गए हैं, और कुछ प्रावधान के आधार पर उनका चयन भी किया जा रहा है, ये हमारी कोशिश है। और भी देख लें क्या सुविधा होगा, अगले बजट में हम कोशिश करेंगे कि और कुछ कोटा इनका रख दिया जाए। हाँ। कुछ हमारी जमीनें चली गई स्टेडियम में, हाँ। तो उसमें कुछ रोजगार मिल जाए। सर ऐसा है, इमारतें भव्य बन गई हैं, जमीन चली गई, लोगों की मुआवजा मिला है, लेकिन वो रोजगार की समस्या आ जाती है। कुछ तो आप कोशिश करेंगे कि जिनकी जमीन गई है
उनको छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिले, और अगर उनके यहाँ कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं है तो दूसरे तरीके से भी हम कुछ फैसला करेंगे कि जिनकी ज़मीन गई है उनको जरूर रोजगार देंगे। द्वार पे तार आए गए बिल्कुल मकान के ऊपर, जो तार हट जाएँ जिस समस्या ज़्यादा बच्चा परेशान रहा था। तार हटेंगे तो बिजली कहाँ से आ जाएगी, ये कोशिश करेंगे कि आपके मकान स्वच्छ रहे और बिजली की तार निकल जाए। देखिए बताओ क्या बीमारी है, बोलिए लगाओ। इधर आइए डॉक्टर साहब, आप इधर आइए। सूजन रहती है, गोड़ सूजे रहते हैं हमेशा, शरीर में सूजन रहती है, दर्द भी होता है, चलने में बहुत परेशानी होती है। कब से है ये? तो हो गई कम से कम हमें 2 साल। कोई दवाई लेती हैं? हाँ दवाई लेने आपके यहाँ आए थे हम सैफई में, तो उन्होंने मने कर दी गए इटावा जांच दिल की करा के ले आओ, फिर हम लौट गए थे। तो अभी तुम्हारी जांच कर लेते हैं हम। अच्छा, हम सब ब्लड प्रेशर वगैरह जांच नहीं, पर्चा है इटावा का, दवा लेने आई यहाँ। डॉक्टरों ने कहा है कि पर्चा वहाँ का नहीं यहाँ का बनवाइए, तो यहाँ का पर्चा बनवाए नहीं, आप पर्चा बनवाइए और इनको दवा दीजिए और जांच कर लीजिए। आइए। तो तुरंत हमने देखा किस तरह से समस्या का समाधान किया है। एक व्यक्ति को जो काफ़ी मुश्किल थी इस महिला को, फिलहाल मुलायम जी ने उसकी डॉक्टर से बातचीत करवा दी है और उसका तुरंत उपचार होगा। हमारी फ्री दवा में लग जाएगी। आइए आइए और फ्री जांच, क्योंकि आपको दंगल बहुत प्रिय है, कुश्ती बहुत मन से लगाव है। एक कोई थे यहाँ पर अन्य मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ ग्रामीण अंचल में जो दारू के ठेक आए वो हट करके कस्बा क्षेत्र में करे जाए, इनका बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है, दारू गांजा भांग इसका बहुत कुप्रभाव है। लेकिन मजबूरी है कि अगर ये नीति हम बदल देंगे तो वही के वही लोग फिर जाएंगे PIL में और फिर हम जवाब देते फिर, और तुम सबसे ज़्यादा प्रचार करोगे, कमलाप सिंह ने घोटाला कर दिया, ये है। अब मुश्किलें ये आ गई हैं, वरना ये इनका कहना सही है कि गांव-गांव साहब की दुकानों से और कुछ लालच में कुछ मजबूरी में कुछ बेरोजगार लोग हैं, तो एक तो उससे अपराध भी बढ़ रहे हैं और साफ पीने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। तो हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री ने गांव वालों से बातचीत की है, उनकी सभी परेशानियां जानी है, सवाल कई हैं लोगों के, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय नहीं है। मुख्यमंत्री जी को एक ब्रेक के बाद हम फाग का गाना सुनाएंगे, ये यहाँ की लोक कला है, उनको बहुत दिल के करीब है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।